हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोकोस फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं ऑनलाइन पैटर्न पीआरटी के लिए कि किस तरह की जो है रीजनिंग पूछी जाएगी। ये जो पेपर है ये है पीसीटी ज्योग्राफी फीमेल का। ओके, तो देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल पहले नीना के 4 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 15 साल थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु कितनी है? अब वह बच्चा कितने साल का है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था, जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उसमें जो है बार बार पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा। देखिए, 3 साल पहले कहा है तो 15 × 4 हो जाएगी 60 साल। अब 3 साल जो है इन तीनों के ही बढ़ेंगे तो ये हो जाएगी 12 60 12। फिर एक बच्चे ने जन्म ले लिया तब भी जो है उनकी औसत आयु 60 ही रही तो ये होगी 72। तो बच्चे की आयु पूछी है कि कितनी है। अब देखिए, अब जब हम इसे 5 से करेंगे इस बार डिवाइड तो हमारा 60 आना चाहिए। अब 5 को 72 से करेंगे तो ये तो सिर्फ 49 की थी, तो उस बच्चे की आयु भी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 75। जब 5 से करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, तो औसत आयु 15 आ गई, वही रही औसत आयु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 साल। ओके, अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, वाक्य दिया जाता है और उसके कथन और क्रियाविधि के बारे में पूछा जाता है। ये 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के आते हैं, कथन वाले। ओके, देखिए, आपको एक वाक्य और 2 क्रियाविधि दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रियाविधियों पर की गई टिप्पणी का चयन करें। वाक्य है, एक्स ब्रांड की टीवी की बिक्री काफी कम हो गई है जिसके कारण कंपनी बहुत चिंतित है। तो क्या करना चाहिए, क्रियाविधि ये पूछी इन्होंने। कंपनी को बाजार के प्रतिद्वंदी ब्रांडों का उचित अध्ययन करना चाहिए, उत्पाद का मूल्य घटाना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले ही बिक्री काफी कम है तो मूल्य घटाने से क्या फायदा, तो ए ऑप्शन जो होगा वो ठीक है कि कंपनी को बाजार के प्रतिद्वंदी ब्रांडों का उचित अध्ययन करना चाहिए। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में जिन्हें अभी कथन और कांड कहा गया उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। कथन है, हमारे देश के बहुत से युवा विदेशों में नौकरी स्वीकार कर रहे हैं। सही है, ओके। उच्च तकनीकी योग्यता वाले लोगों के लिए हमारे देश में कोई प्रयोजन नहीं है क्या, इसलिए युवा विदेशों में नौकरी स्वीकार कर रहे हैं? तो अभी कथन ये है और कारण दे रखा है इसका कि इस कारण जो है युवा विदेशों में नौकरी स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए, अब देखिए बात करते हैं EVTG, इसका आया ओके, साथ साथ जो है CXVE का भी चलाएंगे। देखिए, ई का एच दे रखा है इन्होंने, ई का एच कब आया, जब एफ जी बीच में छूटे और एच आ गया। इसी तरह 2 छूटेंगे, डी और ई छूट गए तो एफ वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एफ देखिए सभी में है। अगला देखिए, वी वी का दे रखा है इन्होंने एस। ठीक है, देखिए इसमें तो +2 ऐड हो गए, ठीक, और एच आ गया। अब एस में देखिए क्या किया इन्होंने, STUV, अब बैक चले -2। ठीक है, वी में से जब -2 हुआ तो एस आया। इसमें भी क्या किया इन्होंने, क्यू, इसमें भी -2 किया। ठीक है, देखिए क्यू RST तब आ रहा है। ओके, तो यानी कि एक बार तो +2 हो गया, अब माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस से क्या आएगा, यू लेंगे जब हम यहाँ पे, PQU आ गया, वी यहाँ पे है एक्स, वी और डब्ल्यू आ गए माइनस होने के बाद, यू में से एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एस, एस में से करेंगे तो क्या आएगा, ST और यू वी हो गया। ओके, अगले वाले में इन्होंने क्या कि +2 ऐड कर दिए तो FGH हो जाएगा, तो FUSH जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया, पहला और फर्स्ट और फोर्थ में तो +2 ऐड करे हैं और जो बीच के हैं उनमें से -2 करके किए हैं। ओके, मींस दो जो है उन 2 अक्षरों के बीच में है। ओके, अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 1, 3, 7, 15। इस तरह देखिए, 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, बिल्कुल सिंपल है ये, 2। 7 और 3 का 4 है, 15 और 7 का 8 है, फिर देखिए 16 है,
फिर 32 का डिफरेंस है 31 और 63 में, फिर डिफरेंस है 64 का, और फिर इन दोनों में 128 का। देखिए कैसे डिफरेंस आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो अगला कितना होगा, 128 दूनी 256। तो 256 और 255 को यार ऐड कर दीजिए, 511 आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इन्होंने बता रखा है कि वर्ग टेनिस खिलाड़ियों को दर्शाता है, आयत अभिनेताओं को, त्रिभुज धनी को और वृत्त पुरुषों को। तो देखिए पूछा किसका, आई का। अब देखिए आई पूछा इन्होंने, आई देखिए कहाँ कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। आई हमें पता लग रहा है कि आई जो है सर्कल में है और एक रेक्टेंगल में है, ठीक है, दो में ही है यहाँ पे, ये रहा। ओके, ट्राइंगल और स्क्वेयर में नहीं है, तो हम सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल चेक करेंगे। देखिए सर्कल है पुरुष, तो मतलब पुरुष है वो। ओके, आयत है रेक्टेंगल अभिनेता को, तो पुरुष अभिनेता हो गया। ओके, तो टेनिस खिलाड़ी जो अभिनेता नहीं, पुरुष जो अभिनेता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष जो अभिनेता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई परिस्थिति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सबसे उत्तम तार्किक कार्रवाई का निर्णय लीजिए। आपका चचेरा भाई बहन आपको आपका वह शब्दकोश लेना चाहता है जो आपके स्वर्गीय दादा ने आपको उपहार में दी थी, आप क्या करेंगे? उसे बिना सोचे समझे मना कर देंगे, बिना किसी हिचक के उसे दे देंगे, आपको शब्दकोश से जुड़े अपने भावनात्मक मूल्यों को उसे बताएंगे, उसे दे देंगे लेकिन झगड़ते हुए, ठीक है? तो उचित कार्रवाई करनी है आप, मीन्स जो सबसे बेस्ट हो इसमें वो आंसर देना है। तो सबसे बेस्ट क्या है, सी ही है, कि आप जो है उस शब्दकोश से जुड़े अपने भावनात्मक मूल्यों को उसे बताएंगे। ओके, अगला देखिए, नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विश्व विकल्प का चयन करें, ठीक है, चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित कर सकती हैं। देखिए पहले ये देख लीजिए कि कोई किसी का स्क्वेयर तो नहीं बन रहा है। अभी हमें पता है 44, 41 किसका स्क्वेयर होता है, 21 का स्क्वेयर होता है, और 21 यहाँ कैसे आया होगा, जब 15 और 6 को जोड़ा होगा तो पता चल गया कि स्केयर से रिलेटेड है कुछ। फिर हम फर्स्ट वाला चेक करेंगे, 11 और 18, 19 का स्केयर कितना होता है, 361 होता है। ये हो गया 22 का स्केयर, 441। अगर हम बात करें 484 किसका स्केयर होता है, 22 का स्केयर होता है, मीन्स ये 22 आनी चाहिए यहाँ वैल्यू टोटल होगी, तो 12 और 10 22 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, LMNOP जो है एक मध्य बिंदु की ओर मुंह करके बैठे हैं, देखिए गोलाकार मेज पे हैं, ठीक है, इस तरफ जो है सभी का मुंह है केंद्र की तरह। देखिए क्यू और एम के बीच में ओ है, देखिए क्यू और एम के बीच में ओ है, मान लिया हमने, ठीक है। फिर कह रहा है ओ के बाएं और दूसरे स्थान पर पी। ओके, इसने कहा ओ के बाएं और, ओ का बायां किस तरफ होगा, क्यों की तरफ जाएगा बायां ओर, देखिए पहला और दूसरा, तो ओ के बाएं स्थान पर पी, ठीक है, और पी के दाएं, नहीं पी नहीं बोला इसने, ये बोला है, देखिए पूरा पढ़ेंगे, ओ के बाएं और दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर यहां पर, और पी के दाएं और दूसरे स्थान पर एल बैठा है, तो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर एल और पी के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो पी का दाया कैसे हो जाएगा, यहां हो जाएगा पी, ठीक है, तो जो बच गया वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए L हो गया, M हो गया, N आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसने कहा O में से, निम्नलिखित में से कौन O की तरफ देख रहा है, ये पूछा इसने। देखिए तो O के तरफ की कौन आएगा, N आएगा, क्योंकि L जो है M की तरफ आएगा, क्यों P की तरफ आएगा, तो O की तरफ जो आएगा वो N आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, नंदिनी उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, तो इसमें देखिए ऐसी दिशा मान लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो फिर जो जो दे रखा वो देखिए, यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट है, नंदिनी चली उत्तर की ओर 20 मीटर, ठीक है, और देखिए फिर कह रहा है वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो अपनी हाथ के हिसाब से देखिए दायां किस तरफ आएगा, अब उसका मुंह ऊपर की तरफ है तो उसका दायां इस तरफ आएगा, 30 मीटर चली, ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़ी, अब इस तरफ है तो उसका इस तरफ आएगा दायां 35 मीटर, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, अब उसका बायां कौन सा होगा, अब उसका बायां ये होगा, 15 मीटर चली, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, फिर से वो 15 मीटर चली,
अब वह किस दिशा में चल रही है और अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए 35 था, तो देखिए यहां तक ये जो हो गया 20 हो गया, ठीक है, ये बचा 15, ठीक, ये था 15, तो ये हो गया 15। ये देखिए ये कितना था, यहां से यहां तक ये 30 था, क्योंकि देखिए रहा ऊपर 30, तो 30, और देखिए अब यहां पे है वो यहां पे, ओके, तो 30 और 15 कितने हो गए, 45 हो गए, ठीक है, तो 45 हो गया। लेकिन वो दिशा में कौन सी में है, पूर्व में है, तो पूर्व 45 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ओके, तो आंसर क्या होगा, पूर्व में 45 मीटर। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी का संबंध है। समरूपता वाले क्वेश्चन है, जैसे लोहार संदान से, तो सुतार आरा से, ओके। अगला देखिए, निश्चित कूट भाषा में ब्राउन को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में येलो का कूट क्या होगा? देखिए वही क्या, इसने देखिए अब ब्राउन था, इन्होंने लिखा DTQYP, बी और डी के बीच में कितने अक्षर छूट रहे हैं, सी सिर्फ एक, आर और टी के बीच में एस, यू, एक मिनट, यू ओ है, ये ओ एक छूट रहा है, मीन सारों में देखिए एक एक छूट रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई होता है, ओ पी, तो एक एक छूट रहा है। इसी तरह हम येलो का कोड बनाएंगे जब, तो एक एक छोड़ के, देखिए वाई के बाद जेड होता है, जेड को छोड़ देंगे तो ए आ गया, ए वाला आंसर होगा, तो इन दो में से कोई होंगे। देखिए एफ को छोड़ दिया तो जी आ गया, एल है, अब एम को छोड़ दिया तो एन, आगे वाला भी एन, तो ए जी एन एन वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा, ओके। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए अंकों के जोड़े के बीच संबंध वैसा ही है जैसे दिए गए नीचे। देखिए इनमें क्या किया है, 4/15 है और 5/24 है। देखिए 4/24 को पूरा कट कर रहा है, 5/15 को पूरा कट कर रहा है, तो ऐसा ही देखेंगे जो इनको पूरा कट करे। देखिए 7/63 को तो कर रहा है, बट 8/49 को नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा। 9/100 को नहीं करता, ना ही 10/81 को, तो ये भी नहीं होगा। 6/24 तो कर रहा है, बट 5/36 को नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 8/10 80 होता है, 9/67 63 होते हैं, ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा इसका, ओके। आगे देखिए, प्रवीण कहता है मदन की बहन मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसके पिता की इकलौती बेटी है, और मदन कह रहा है ऐसे, ठीक है, और वो निम्नलिखित में से प्रवीण और मदन में, देखिए इसने कहा मदन की बहन उसके पिता की, प्रवीण के पिता की, ओके, तो वो दोनों कैसे रिलेटेड है, प्रवीण और मदन, वे सगे भाई हुए, ओके। अगला देखिए, आपको दो वाक्य है और चार निष्कर्ष दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, ओके। देखिए कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, देखिए कुछ शिक्षक बोला इसने, देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे विद्यार्थी, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक, ओके, सारे विद्यार्थी और सारे ही विद्यार्थी लड़के हैं, ओके, तो फर्स्ट पॉइंट से देखिए, सारे शिक्षक, क्या सारे शिक्षक लड़के हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ लड़के शिक्षक हैं, कुछ लड़के शिक्षक पॉसिबल है क्योंकि ये इसमें से आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं क्योंकि सारे विद्यार्थी लड़के कह रहे, तो कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, ओके, होंगे, तो ये भी पॉसिबल है। क्या सारे विद्यार्थी शिक्षक हैं, नहीं, क्योंकि कुछ शिक्षक विद्यार्थी बोला है इन्होंने, तो ये भी गलत है। सेकंड और थर्ड जो है वो अनुसरण करते हैं, सी आंसर हो जाएगा, ओके। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नीचे दी गई तालिका को ध्यान पूर्वक पढ़े और उस विकल्प का चयन करें जो इस चिन्ह को उत्तम रीति से प्रतिस्थापित कर सकता है, ओके। देखिए B3 E4, पहले तो ये जोड़ देख लेते हैं, देखिए 4 और 3 7 आ गया, ठीक है, 10 और 5 15 हो गया, तो अगले वाले में क्या होगा, 11 और 9 21 होगा, 20 होगा, 20, ठीक है, 20 9 और 1 10 20 20 हो गया, तो 20 वाला आंसर होगा। अब देखिए 20 भी दो में है, ओके, तो ये दो तो कट हो गए, अब कैसे आया, देखिए E4 लिखा ना इन्होंने, I कैसे लिया, E के बाद जब फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो I आएगा, E के आगे देखिए F G H I, तो E से आगे जब फोर्थ नंबर देखेंगे तो I आएगा, ठीक है, तो I 7 लगा दिया। ऐसे ही V के से आगे जब हम 5 नंबर चलेंगे, V देखिए STUV W X Y Z और A, एक आ रहा है 5वें नंबर पे, 4 बीच में और 1 5वें नंबर पे, वो इसी तरह Y से आगे जब 11वें नंबर पे देखेंगे कि कैसे Z हो गया, A B C D E F G H I और J, अब देखिए Y से 11वां नंबर,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारहवां, ग्यारहवीं पे क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो जे ट्वेंटी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले कलई और नीला आमनी सामने आपस में बात कर रहे हैं। अगर नीला की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ है तो कलई किस दिशा में दिख रही है। देखिए हमें पता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। सूर्यास्त से ठीक पहले, देखिए सूर्य उदय होता है पूर्व में, अस्त होता है पश्चिम में, यहाँ से घूम के वो इस तरफ आएगा, ठीक है, पश्चिम में। अब इसने कहा नीला की परछाई, नीला की परछाई उसके दाईं तरफ कब आएगी, जब नीला दक्षिण में खड़ी होगी तो उसके दाईं तरफ दिखेगी, ठीक है। तो इसने पूछा कलई किस दिशा में देख रही है, तो अब कलई उसके सामने है तो कलई किस दिशा में देख रही है, दक्षिण की तरफ देख रही है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण। ओके अगर वो होती उत्तर में खड़ी होती तो उसकी परछाई किस तरफ जाती, बाईं तरफ जाती उसकी, ओके क्योंकि उस तरफ होती बायां उस तरफ पहुंचता। फिर आगे देखिए, चार साल पहले हरिणी और उसकी माता की संयुक्त आयु दी है 44 साल। देखिए संयुक्त आयु 4 साल पहले दी है तो अब कितनी होगी उसकी, एडिशन कितना होगा, चार चार और ऐड कर दीजिए, 8 साल ऐड कर देंगे तो 52 हो जाएंगी वर्तमान में। अब वर्तमान का अनुपात दे दिया इन्होंने 1:3, ठीक है, उनका योग है 52, तो एक्स प्लस 3x इक्वल टू 52 लिख सकते हैं, 4x 52, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 13 आ जाएगी। तो उसकी माता की आयु पूछी, माता की आयु कितनी थी 3x, तो 3 × 13 कितना हो जाएगा 39, और अगर हरिणी की पूछी होती तो कितनी हो जाती 13 साल, तो आंसर क्या होगा 39 साल। ओके अगला देखिए, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में मुकेश ऊपर से 16वें स्थान पर है। देखिए यहां से अगर शुरू कर रहे हैं तो 16वां स्थान है उसका, तो यानी कि 15 बच्चे हैं यहाँ, ठीक है। फिर कह रहा है नीचे से 25वें स्थान पर है, नीचे से 25वां मतलब इस तरफ से जो है वो 25वां स्थान है, तो यहाँ पे 24 बच्चे हैं, ठीक है। अगर 5 जो है विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो 5 तो अलग रखिए पहले ही ऐड कर लेते हैं। देखिए 15 ये बच्चे, 24 ये बच्चे और एक पोजिशन इसकी, तो कितने होंगे, 5 × 4 9 10 0, 2 × 3 40, 40 बच्चे तो हो गए जो पास हुए, 5 ऐसे जो अनुत्तीर्ण हुए, 40 + 5 = 45। ओके तो इसका आंसर कितना हो गया, 45 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अगर अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में ए और बी के बदले में ए लिखा जाए, सी और डी के बदले में बी, ई एफ के बदले में सी, जी और एच के बदले में डी, इसी प्रकार आगे भी, तो नई संरचना में दाएं छोर से, दाएं मतलब पीछे से, क्योंकि दाया हमारा हाथ से देखेंगे अपने हाथ से, तो दाया जो बनेगा वो पीछे से बनेगा। देखिए कैसे लिखना है, ए बी था, फिर सी डी, फिर ई एफ, फिर जी एच, फिर आई जे, के एल, एम एन, ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू वी, डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। देखिए इसे लिखा ए बी, फिर लिखा सी, फिर डी, फिर इसको ई, इसको एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल और फिर एम, लास्ट से पूछा इन्होंने दाएं तरफ से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, तो आई हो जाएगा 5वें स्थान पर, तो आंसर क्या आ जाएगा आई। ओके तो एक और एग्जाम देख लेते हैं पीजीटी वालों का ही, ये था पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर, इसके अलावा एक और देख लेते हैं रीजनिंग कैसी आई थी। तो देखिए ये है पीजीटी हिंदी फीमेल का एग्जाम, ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए पायल जिसकी कोई बहन नहीं है उसने वंशिका से कहा आप मेरी माँ की, देखिए पायल जिसकी कोई बहन नहीं है मीन्स अकेली है वो, इकलौती है अपनी माँ की, उसने वंशिका से कहा कि आप मेरी माँ के इकलौते दामाद की बेटी हैं, तो पायल उससे कैसे संबंधित हुई, तो मीन्स वो उसकी बेटी हुई क्योंकि वो उसके दामाद की बेटी और वो अकेली ही है अपनी माँ की बेटी, ठीक है, तो बेटी हो गई आंसर। अगला देखिए श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा, बहुत इजी आ रहे हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, तो देखिए 10 10 20, फिर 9 ऐड हुआ है, फिर 8 ऐड हुआ है, फिर 7, फिर 6, तो मीन्स अगले वाला 5 ऐड होगा तो 55 हो जाएगा आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन वाला आ रहा है बार बार, नरेश उसकी विद्यालय की, एक मिनट देखिए, उसके विद्यालय से उत्तर की ओर निकला मीन्स उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ गया वो, और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं मुड़ा मीन्स इस तरफ, और 3 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा
उसके बाद दाई ओर और 2 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने घर पहुंच गया। नरेश का घर अपने स्कूल के समन्वय की इस दिशा में, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये उत्तर की तरफ चला, तो मीन्स ये दक्षिण की तरफ उसका स्कूल था, ये उत्तर हो गया यहाँ पे। अब ये उत्तर हो गया तो ये वाली दशा क्या होगी, यहाँ पे होता है पश्चिम, यहाँ पे होता है पूरब, ठीक है। तो पश्चिम होती है तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला देखिए, इस प्रश्न में दो विधान दिए गए हैं जिसके बाद दो एक और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए विधान को सत्य मानी, भले ही व्यायाम तौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से दिए गए विधानों का अनुसरण करते हैं, आमतौर पर ज्ञात तथ्यों को अनदेखा करते हुए, ठीक है। देखिए सभी 12 सिंगे, यानी कि सभी 12 लिख लीजिए, सभी 12 सिंगे बैल हैं, ओके, और सारे बैल जो हैं वो क्या हैं, स्टड हैं, ठीक है। अब किसने कहा कि सारे स्टड बैल हैं, नहीं, क्योंकि किसने कहा कि सारे बैल जो हैं वो स्टड हैं, ओके। देखिए कुछ स्टड बैल हैं ये पॉसिबल है, तो सिर्फ निष्कर्ष 2 इसका आंसर होगा। देखिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ओके। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरा पद पहले पद से, ठीक है। देखिए वन वन आया, 1 × 1 1 होता है, या 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऐसे ही 5 × 5 25, या 5 का स्क्वायर कह लो 25, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। अगला देखिए, परिस्थिति दी हुई है, आपका क्या एक्शन होना चाहिए, मीन्स उस पे क्या करना चाहिए आपको, तो वो बताना है कि परिस्थिति का अध्ययन करें और उत्तर कर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। आपका पड़ोसी एक हफ्ते की छुट्टी पर जाने के लगभग तुरंत बाद आप उनके घर से गुजर रहे हैं और आपको उस घर से खाना पकाने की गैस की गंध आती है, उस विकल्प का चयन करें जो करना इस स्थिति में आपको सबसे उचित लगेगा। हवाई अड्डा पुलिस को बुलाए और उन्हें सूचित करें कि यह पड़ोसी एक आतंकवादी है, नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना अंदर कौन है, उसे सिर्फ गंध आ रही है खाना पकने की, ओके। पूरे पड़ोस को तकलीफ देने के लिए पड़ोसी को दोष दें, नहीं, पड़ोसी को कॉल कर इतनी लापरवाही होने के लिए उसकी 2 बार सुनाए और अपने नियमित व्यवसाय के साथ आगे बढ़े, नहीं। तो क्या करना चाहिए आपको कि पड़ोसी अग्नि विभाग एम्बुलेंस को कॉल करें और सूचित करें और सुनिश्चित करें कि संबंधित घर के आसपास के इलाके को खाली कर दिया गया है, ओके। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, यदि यह मानते हुए कि निष्कर्ष में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही आमतौर पर स्थापित सभी तथ्यों से भिन्न दिखाई दे, निष्कर्ष में दी गई जानकारी में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है। मान्या ने विश्वविद्यालय सम्मेलन में बहुसंस्कृति समाज में शांति पर एक प्रबुद्ध भाषण दिया, तो निष्कर्ष ये है कि मान्या PhD कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया इसमें, तो ये गलत होगा। मान्या एक शांतिवादी हो जो चाहती है कि हर देश खुद को निरस्त्र करे, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो एक भाषण दे रही है विश्वविद्यालय में, तो इनसे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं कहा गया, तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। 216 एंड का मतलब है भाग, 6 हो गया, ओके। फिर है एम परसेंट का मतलब है गुना, 7 हो गया। हैश का मतलब है प्लस, 9 हो गया। एट द रेट का मतलब दिया इन्होंने -1, तो पहले जो है ये सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 36, 6 × 18 = 36 × 7 + 8 बचेगा 36 7 252 + 8 260 260 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अगला देखिए, इस प्रश्न में एक और दो ऐसे कथन दिए गए हैं, कौन सा विकल्प इन, देखिए श्वेतलाला ने अपने पति के पसंदीदा ब्लूबेरी चॉकलेट केक बनाया, श्वेतलाना के पति का जन्मदिन सिर्फ एक दिन बाद है, कारण और प्रभाव दिए हैं। देखिए श्वेतलाना ने केक क्यों बनाया, क्योंकि उसके पति का जन्मदिन है, ठीक है। तो कारण कौन सा हुआ इसमें, इसका ये कारण था तभी इसका प्रभाव ये बना, ठीक है। तो कथन 2 जो है वो कारण है और कथन 1 जो है उसका प्रभाव हो गया, ठीक है। अगला देखिए, नीचे दिए गए 4 शब्दों में किसी तरह से, मतलब एक समान है और एक अलग है। देखिए पेन पेंसिल ब्रश का हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ठीक है, या ड्राइंग करने के लिए, पेपर जो है वो अलग हो गया इनमें, तो 4 आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले वाले से। अब मूर्तिकार रिलेटेड है मूर्ति से, विधायक कानून से। किसी सांकेतिक भाषा में गैलरी को लिखा जाता है ये, तो उस भाषा में इसे देखिए, गैलरी को उन्होंने कैसे लिखा, ये था गैलरी,
सात अक्षर हैं, तीन तीन बांट लिए, और एल को, एल की पोजिशन इन्होंने वही रखी सेम, ठीक है। इसको क्या किया, ई वार वाई को जो है आगे उठा के लिख दिया और जी ए एल को पीछे उठा के लिख दिया। तो इसमें भी यही करेंगे, ग्लेजिंग में जी एल ए को पीछे रख देंगे और आई एन जी को बीच में आगे, मतलब, और जेड को सेम पोजिशन पे रखेंगे। तो आई एन जी जेड जी एल ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, छह दोस्त हैं, एक गोलाकार टेबल पर बैठे हैं। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, 20 के 20 क्वेश्चन जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इजी पेपर आएगा। पीआरटी का तो इससे भी इजी आएगा। ओके, देखिए गोलाकार टेबल है, देखिए लास्ट से देख लेते हैं हम। पी एम के दाई तरफ एकदम बगल में बैठा है, पी जो है एम के दाई तरफ, देखिए एम ले लिया हमने और पी जो है इसके दाई तरफ बैठा है। ओके, एल जो है वो एम के विपरीत है, मीन्स इसके सामने है वो। ओके, एल एन के दाई तरफ एकदम बगल में बैठा है, एन के दाई तरफ, तो एन यहाँ हुआ ना उसका, क्योंकि एन का दाया तभी इस तरफ होगा। अब देखिए पी एम, अब देखिए अगला क्या है, जे एम या एन के बगल में नहीं बैठा है, अब दो बचे हैं, तो जे जो है एम के बगल में नहीं बैठा और ना ही एन के, तो एन के तो पॉसिबल नहीं है, तो एम के भी नहीं है, तो जे यहाँ हो जाएगा और जो बच गया वो उसकी पोजीशन हो जाएगी। अब इसने कहा जे के ठीक सामने कौन बैठा है, तो जे के ठीक सामने कौन बैठेगा, पी बैठेगा, तो आंसर होगा पी। ओके, देखिए इन क्वेश्चंस में कैसे होते हैं, आमने सामने अगर छह बंदे दिए हैं तो इसका सामना ये होगा, इस वाले का ये होगा, ये इस तरह, और इस वाले का ये होगा, ठीक है, तो इस तरह बनेगा ये। ओके, अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन के बाद एक और दो ऐसे दो तर्क हैं, कथन के संबंध में तर्क पढ़े और तगड़े तर्क की पहचान करें, ठीक है। कथन देखिए, क्या नगर पालिका ने सभी घरों को स्वच्छ आर ओ यूवी फिल्टर पानी मुफ्त देना चाहिए, तर्क है हाँ, नागरिक करों का भुगतान करती इसलिए सरकार को मुफ्त आर ओ यूवी फिल्टर पानी मुफ्त देना चाहिए, नगर पालिका पीने योग्य पानी प्रदान कर सकती है लेकिन आर ओ यूवी फिल्टर किए गए पानी को उपलब्ध कराने में नगर पालिका के खजाने पे बोझ बढ़ेगा, तो तर्क कौन सा ड्रीड है, सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि वो सबको जो है आर ओ वाला फिल्टर जो है उपलब्ध नहीं करा सकती, सिर्फ पीने योग्य पानी उपलब्ध करा सकती है। ओके, अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से प्रतिस्थापित हो और श्रृंखला को पूरी करेगा। देखिए ये देखिए कैसे, एक मिनट, ये कैसे आ, देखिए 15 दूनी 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, अगले में देखिए 12 चौक 48 6 8 48 मीन्स सेम आ रहे हैं, ऐसे ही 15 चौक 60 तो यहाँ पे भी 60 बनना चाहिए, तो 12 पंजे 60 बनेगा, तो 12 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ओके, दोस्तों का एक समूह दौड़ लगाता है, देवी माला से तेज भागती है, देवी जो है वो माला से तेज भागती है। ओके, माला अलका से धीमी भागी, बट अभी अलका का ये नहीं बताया कि वो देवी से तेज भागी या धीमी, ठीक है, लेकिन माला जो है वो अलका से धीमी भागी, तो यानी माने माला तो यही रहेगी। अलका रूना से तेजी से भागी, अलका जो है वो रूना से भी तेजी से भागी है, रूना देवी से तेज भागी, रूना देवी से भी तेज, तो अलका उससे भी तेज, फातिमा माला से तेज भागी लेकिन देवी से धीमी, तो फातिमा तो यहाँ होगी, तो कौन सबसे तेज भागा है, अलका, इसका आंसर क्या होगा, अलका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्वेश्चन देखिए वही है सेम, बट इसमें क्या कर दिया कि बार उसकी दिशा ना पूछ के उसका कम रास्ता पूछ लिया। देखिए, उसके विद्यालय से उत्तर की ओर निकला, 2 किलोमीटर की दूरी तय की, वह बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, और फिर उसका देखिए घर आ गया, तो उसने घर पहुंचे, उसके घर के विद्यालय की सबसे कम दूरी, देखिए एक दूरी तो क्या आएगी कि यहाँ से वापस जाएगा 2 किलोमीटर, फिर 2 ये 4 और फिर यहाँ से 3 7 किलोमीटर हुई, ठीक है, ये तो होगी 7 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अब इसने छोटा रास्ता पूछा है, एक रास्ता बन सकता है ऐसे, इस तरह के से कि हम जो है ये वाली दूरी निकाल ले, करण वाली, ये कैसे निकलेगी, ये होगी 4 2 और 2 4 4 का स्केयर प्लस ये यहाँ पे ये वाली 3 का स्केयर, 4 चौक 16 प्लस 9 25 का रूट आ गया, ठीक है, तो 25 का रूट क्या हो गया 5, तो 7 से कम क्या है 5 किलोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। ओके, अगर बहुत से बच्चों को अगर ये वाला
नहीं पता है तो वो 7 किलोमीटर ही लगा के आएंगे आंसर, जो कि गलत होगा। तो पाइथागोरस वाला रूल लगाइए इस पे, जिसमें करण निकालना होता है जो लंब और उस आधार को जो है प्लस करके लगा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मेज वाला देखिए वही फिर से, लेकिन क्वेश्चन दोबारा कर लिया इसने। देखो, पी एम के दाई तरफ बगल में बैठा है, पी जो है एम के दाई तरफ है, ओके, एल एम के विपरीत है, एल एन के दाई तरफ एकदम बगल में बैठा है, जे एम या एन के बगल में नहीं है, तो जे यहाँ हो गया, के यहाँ हो गया। अब ये कह रहा है जे किसके बीच में बैठा है, तो जे जो है के और एल के बीच में बैठा है, तो आंसर हो गया एल और के। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरा पद पहले पद से रखता है। देखिए 32 और 8 में देखिए, 32 कैसे आता है, 8 चौक 32 आते हैं, ठीक है, तो हमें 4 चाहिए, तो 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला देखिए, संबंधों का सही वो बताना है, आकृति का चयन है। देखिए मिठाई, मिठाई यहाँ पे ये नहीं कोई मिठाई, यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट मीन्स मीठा, ठीक है। अब देखिए डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में देखिए मिल्क शेक भी आता है, और मिल्क शेक में चॉकलेट बनाया मिला दिया, तो वो चॉकलेट मिल्क शेक हो गया, तो ऐसे वाला जो है आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए डेजर्ट मीठा कुछ, मिल्क शेक क्या होता है, मीठा ही होता है, मिल्क शेक में हमने चॉकलेट मिक्स कर दिया, तो वो क्या चॉकलेट मिल्क शेक, तो इस तरह बनी गई, ठीक है। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चंस। ओके, इस तरह का जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। देखिए मान के चलिए आप 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके बहुत इजी पूछे जाएंगे, कौन कौन से, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, ये चारों ही सब्जेक्ट जो हैं बहुत इजी आएंगे। सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट आया रहा है ऑनलाइन के जो पेपर हुए हैं उनमें, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो आया है वो है मैथ। मैथ का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, क्वेश्चन निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स दे देते हैं वो। हमने जो है 6 तारीख का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था पीआरटी का, उसका उसके जो मैथ के क्वेश्चन थे 20 के 20 क्वेश्चन डाले थे, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार जो 6 तारीख का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था पीआरटी का, उसको देखिए, उसमें जो है आपको मैथ के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, और आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ के क्वेश्चंस जो है कैसे हैं। तो इसलिए मैथ पे जो है थोड़ा कम टाइम वेस्ट करना है अपना, और इन चारों पे ज़्यादा मीन्स इन चारों को जो है फुल्ली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, कि 20 20 क्वेश्चन जो आप इन चारों के कर पाए। जीएस में फिर भी कट जाएंगे, लेकिन हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके जो है 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैथ लेंथी आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा 20 क्वेश्चन होते ही, जैसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, आपको सबमिट करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और वो सबमिट करने के लिए भी आपको 3 टाइम्स पूछेगा कि आर यू श्योर कि आप उसे सबमिट करना चाहते हैं। 3 बार जब आप उसे यस यस करेंगे, तब जाके जो है आपके 20 क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप उन 20 क्वेश्चन को जो है फिर से ओपन नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा जो है जीएस के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले पेपर्स में, उस पर भी जो है हम वीडियो बना देंगे आपके लिए कि किस तरह के जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा 6 और 7 का जो है पेपर का रिव्यू हमने डाला हुआ है, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कि 3 या 4 क्वेश्चन ही पता लगे थे, ठीक है, तो वो सब जो है हमने वीडियो बनाई हुई है उन पे, उन्हें भी देखिए एक बार। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।